इस टाइप का प्रॉब्लम पीछे में भी बतलाए हैं, लॉस एंड प्रॉफिट का पार्ट 29 में जो ये प्रॉब्लम है इस टाइप का पीछे में एक बतला दिया गया है। तो खैर हूबहू इसी टाइप का, एक आदमी ने दो घड़ी 650 रुपया में खरीदी। कोई आदमी है दो घड़ी खरीदता है कितना में, 650 रुपया में। तो अच्छा दो घड़ी में, अब ये एक को ए घड़ी या एक को बी मान लिया जाए या पूरा हिसाब देखो। एक आदमी ने दो घड़ी 650 रुपया में खरीदी, यदि वह एक को 20% लाभ पर और दूसरी को 25% हानि पर बेचे तो दोनों घड़ियों के विक्रय मूल्य समान प्राप्त होते हैं। यानी एक को 20% फायदा पर बेच रहा है और एक को 25% घाटा पर, तो दोनों को जो अलग अलग बेचता है तो दोनों का विक्रय मूल्य यानी बेचने वाला दाम एक समान हो जाता है, समझा। तो प्रत्येक का क्रय मूल्य निकाले। देखो घड़ी नंबर वन, घड़ी नंबर टू, ये दोनों घड़ी को कितना में लिया, 650 रुपया में खरीदा। प्रश्न में है ना, एक आदमी ने दो घड़ी 650 रुपये में खरीदी। तो मान लो घड़ी नंबर वन और घड़ी नंबर टू दो घड़ी हुआ, पहली घड़ी दूसरी घड़ी, दोनों को खरीदा 650 रुपया में। तो पहली घड़ी का दाम तो मान लो X रुपया, दूसरी घड़ी का दाम मान लो Y रुपया, तो X प्लस Y रुपया जोड़ करके 650 रुपया हुआ। बोलो घड़ी का क्रय मूल्य भगवान जी। अब पहली घड़ी पर कितना छूट, यदि वह एक को 20% लाभ पर और दूसरी को 25% हानि पर बेचे। पहली घड़ी को बेच रहा है 20% लाभ पर और दूसरी को 25% हानि पर, तो ऐसी स्थिति में दोनों का बेचने वाला दाम एक समान हो जाता है। यानी X रुपया का 20% X रुपये के वस्तु पर अगर 20% लाभ ले तो कितना में बेचेंगे, बोलो। 50% पर 20% सिर्फ इतना ही का आंसर दो ना। X रुपया के वस्तु पर 20% लाभ ले और तब हम बेचे 20% लाभ ले करके X रुपया के सामान पर, तो ये सामान कितना में बिकेगा, X रुपया। ये तो हो गया मूलधन जो लगाए, जिसे क्रय मूल्य कहते हैं, पूंजी। इस पर हमको कितना फायदा हो रहा है, तो 100 में 20, इसीलिए X में, तो सीधे निकाल लो X का 20% लाभ जोड़ दो, समझ रहा है। तो ये हो गया तुमको X जोड़ X का 20%, X गुने 20/100, तो ये फिर हो गया एक्स, ये कटेगा 1/5, तो एक्स प्लस एक्स को एक से गुना करो 1/5, लगतम लेंगे 5x प्लस एक्स बराबर 6x/5 रुपया होगा। यानी X रुपये की घड़ी को 20% लाभ लेकर बेचा जाए तो इस घड़ी का विक्रय मूल्य कितना होगा,
बेचने वाला मूल्य 6x/5 रुपया, बोलो तो समझ रहा है? ठीक है, समझ रही है। तो हम लोग लिख सकते हैं एक्स रुपया का वस्तु 20% लाभ लेकर के बेचे तो विक्रय मूल्य कितना हो गया? 6x/5 रुपया। यह हुआ था। दूसरी घड़ी को y रुपया में खरीदे हैं, 25% हानि पर बेच रहे हैं, तो बोलो कितना में बेचेंगे? y - y - y 25। y रुपया में लिए, 25% घाटा लग गया, यानी 100 में 25 घाटा लगा, इसीलिए 1 में 25/100, इसीलिए y में, तो 25/100 × y ये आएगा। तो y रुपया के वस्तु को 25% हानि पर बेचे तो हानि होगी कितना? तो ये कट गया 25 × 25, ये 4, यानी y × 1 y/4 रुपया फायदा होगा। तो इसको कितना में मतलब फायदा कहते हैं, 25% हानि हुई, तो y रुपया के वस्तु को कितना में बेचेंगे? y रुपया का 25% सीधे घटा दो हानि, तो 25% हानि y - y/4 रुपया घटा देंगे, ये हो गया घड़ी का विक्रय मूल्य होगा। तो इसका लघुत्तम लेंगे तो ये हो गया 4y - y, यानी 3y/4 रुपया दूसरी घड़ी का विक्रय मूल्य, 3y/4 रुपया, 3y/4 रुपया हो गया दूसरी घड़ी का विक्रय मूल्य। पहली घड़ी का विक्रय मूल्य हो गया 6x/5 रुपया। प्रश्न में कह रहा है दोनों का विक्रय मूल्य एक समान है, तब जब पहली घड़ी को 20% लाभ पर बेचा जाए और दूसरी घड़ी को 25% हानि पर बेचा जाए, तो दोनों तो अलग अलग भाव में बिक रहा है बिका, लेकिन कहता है मान लो ये जितना में बिका ये जितना में बिका, अगर ये 500 रुपया में बिका है तो ये भी 500 में बिका, ये 1000 में बिका है तो ये 1000 में बिका, समझ रही है? तो प्रश्न के अनुसार ये दोनों बराबर हो गया। जब वो समीकरण बन गया 6x/5 = 3y/4, तो अब तुम तीखा गुना करो, 4×24x = 5×15y, इसीलिए x = 15y/24, 3 से काटेंगे तो 5y, 3 से काटेंगे 8, x = y/8। अब x + y = 650 जो है, तो x का मान यहाँ पर रख देंगे तो y का मान निकलेगा, y का निकलेगा तो इस समीकरण में या इसी में रख दो तो x का निकल जाएगा, समझा? बनाया जाए लेकिन एक बात करो फिर ये बतलाओ, अगर मान लो कोई आदमी 2 नारंगी खरीदा, समझा, या 2 तरह का फल खरीदा कोई भी आदमी, एक खरीदा नारंगी और दूसरा खरीदा सेब, एक नारंगी एक सेब खरीदा कोई आदमी, तो दोनों को मिला करके देना पड़ा 8 रुपया, तो नारंगी के लिए कितना दिया बोलो, सेब के लिए कितना दिया?
नारंगी के लिए 8 रुपया माइनस सेब दे, सेब के लिए 8 रुपया माइनस नारंगी का मूल्य होगा, यानी नारंगी का मूल्य जोर सेब का मूल्य बराबर 8 रुपया। अगर हम मान लेते हैं एक नारंगी का मूल्य है x रुपया, तो सेब का कितना होगा, तो नारंगी का मूल्य 1 रुपया जोर सेब का मूल्य बराबर 8 रुपया, समीकरण हो गया। अब ये प्लस x को बराबर के आगे ले जाओ तो माइनस 1 रुपया होगा। अब सेब का मूल्य निकल गया 8 माइनस 1 रुपया, समझे इसको, ये सब पहले कई बार बतला चुके हैं। एक आदमी ने 2 घड़ी 650 रुपये में खरीदा, तो माना कि आदमी ने पहली घड़ी 1 रुपये में खरीदा, समझा, तो 2 घड़ी खरीदा है ना, तो प्रश्न से देखो, प्रश्न में दिया है ये 2 घड़ी 650 रुपये में खरीदा, तो प्रश्न से 2 घड़ी का मतलब पहली घड़ी का मूल्य कुछ होगा, दूसरी घड़ी का भी कुछ होगा, दोनों का जोड़ कर, दोनों को जोड़ करके 650 रुपया दिया है, तो पहली घड़ी का मूल्य प्लस दूसरी घड़ी का मूल्य बराबर 650 रुपया होगा। अब देखो, हम लोग माने हैं, माना कि आदमी ने पहली घड़ी 1 रुपया में खरीदा, पहली घड़ी में, तो पहली घड़ी का मूल्य जो दूसरी घड़ी का मूल्य बराबर 650 रुपया, पहली घड़ी का मूल्य 1 रुपया, पहली घड़ी 1 रुपया में खरीदा, तो पहली घड़ी का मूल्य 1 रुपया जोर दूसरी घड़ी का मूल्य बराबर 650 रुपया, इसलिए दूसरी घड़ी का मूल्य, ये तो इक्वेशन हो गया। बराबर 650 रुपया प्लस एक्स बराबर के आगे जाएगा तो माइनस 1 रुपया बराबर 650 माइनस 1 रुपया, दूसरी घड़ी का मूल्य हुआ, समझ रही है। तो अब कह रहा है यदि वह एक को 20% लाभ पर, दूसरे को 25% हानि पर बेचे, तो पहली घड़ी को मान लो 20% लाभ पर बेचता है, प्रश्न से घड़ी को 20% लाभ पर बेचता है, तो पहली घड़ी का विक्रय मूल्य कितना होगा, बोलो, 20% कितना में खरीदा है ये दाम, और जोर लाभ कितना हो रहा है, तो
तो कितना में खरीदा है, तो पहली घड़ी को कितना में खरीदा है, तो एक्स रुपया में, एक्स रुपया में लाभ कितना हो रहा है, तो 20%, यानी 100 में 20, तो एक्स में कितना, तो 20x/100 निकलेगा एक एक नियम से। और या डायरेक्ट पहली घड़ी का विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य, यानी कितना में खरीदे, जोर क्रय मूल्य पर लाभ, जितना में खरीदा पूंजी लगाया उसी पर न लाभ जोड़ेगा, क्रय मूल्य पर 20% लाभ ले रहा है ना, हाँ 20% लाभ, तो क्रय मूल्य हो गया एक्स रुपया, एक्स पर 20% का अर्थ हुआ एक्स का 20%, ये हो गया एक्स प्लस एक्स गुने 20/100, फिर हो गया एक्स प्लस ये कट गया 20 × 20, 20×5 = 100, यानी एक्स जोड़ एक्स गुने एक होगा ना, 1/5, एक्स बटा पांच हुआ, एक्स गुने एक, समझ रही है, तो ये कैलकुलेशन करके हो जाएगा 5x + x/5 लग कम लेंगे, ये 6x/5 रुपया हो गया पहली घड़ी का विक्रय मूल्य, इतना को उतारो। तो देखो पहली घड़ी को एक्स रुपया में खरीदे है ना, पहली घड़ी एक्स रुपया में खरीदा, और पहली घड़ी एक्स रुपया में खरीदा, पहली घड़ी का विक्रय मूल्य 6x/5 रुपया, एक्स रुपया में खरीदा एक्स रुपया क्रय मूल्य हो गया ना पहली घड़ी का, और 20% लाभ लेकर के देते हैं, तो 6x/5 रुपया विक्रय मूल्य हो गया। तो अब देखो पहली घड़ी का क्रय मूल्य एक्स रुपया, पहली घड़ी का विक्रय मूल्य 6x/5 रुपया हुआ, तो दो घड़ी लिया है ना, हाँ तो दूसरी घड़ी का क्रय मूल्य कितना है बोलो, सौ पचास में से पहली घड़ी का दाम एक्स रुपया घटा दो होगा ना, पहली घड़ी लिया एक्स रुपया में और दोनों घड़ी लिया 650 रुपया में, तो दूसरी घड़ी कितना में लिया, तो दूसरी घड़ी 650 में से पहली घड़ी का दाम घटा दोगे तो दूसरी घड़ी का दाम निकल जाएगा क्रय मूल्य, दूसरी घड़ी को 25% हानि पर बेचे, इसको 25% हानि पर बेच रहा है, तो देखो 25% हानि का अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ हुआ 100 रुपया में खरीदो और 100 - 25 घाटा लगा करके बेचो, तो 100 में से 25 रुपया कम मिलेगा, तो 100 में से 25 घटाओगे 75 होगा, यानी 75 रुपया में बेचो, 100 का माल 75 में बेचो, यही हुआ 25% घाटा का अर्थ, तो 100 रुपया में खरीदो और 75 में बेचो, 100 रुपया क्रय मूल्य तो विक्रय मूल्य 75 रुपया, इसके अनुसार तो यही अर्थ हुआ, अगर 100 रुपया में खरीदते हैं तो 100 - 25 75 रुपया में बेचते हैं, यानी 100 रुपया क्रय मूल्य है तो विक्रय मूल्य 75 रुपया है ना, यानी 100 रुपया क्रय मूल्य है तो
विक्रय मूल्य 75 रुपया है, इसीलिए 1 रुपया क्रय मूल्य है, तो विक्रय मूल्य कितना है 75/100 रुपया, इसीलिए दूसरी घड़ी को खरीदे 650 माइनस 100 रुपया में खरीदे हैं, इसीलिए 650 माइनस 100 रुपया क्रय मूल्य है, तो विक्रय मूल्य कितना, तो इसको काटो 25 से 75 यानी 3/4 × 650 माइनस 100 रुपया 2.5, इसलिए कॉस्ट में, इसीलिए दूसरी घड़ी का विक्रय मूल्य कितना हुआ, ये हो गया 3/4 और 650 माइनस 100 रुपया। बोलो इसको समझा, प्रश्न से पहली घड़ी का विक्रय मूल्य और दूसरी घड़ी का विक्रय मूल्य बराबर है, देखो दोनों घड़ियों का विक्रय मूल्य समान प्राप्त होते हैं, लिखेंगे प्रश्न से पहली घड़ी का विक्रय मूल्य बराबर दूसरी घड़ी का विक्रय मूल्य, पहली घड़ी का विक्रय मूल्य कितना है 6x/5 रुपया बराबर दूसरी घड़ी का 3/4 650 माइनस 100 रुपया इक्वेशन हो गया। चलो इतना तो उतारो, तो इक्वेशन जो आया है 6x/5 रुपया तो दोनों ओर है तो हट जाएगा, बराबर 3/4 650 माइनस x। इक्वेशन कहीं नहीं पीछा छोड़ता है, मैथ को मजबूत बनाने के लिए पहला शर्त है इक्वेशन को मजबूत करो, इसलिए बेस ऑफ अलजेब्रा जो हम बतलाए हैं 40-42 पार्ट में, इसको देखना सबसे पहले जरूरी है। कैसे हल करेंगे जल्दी बतलाओ, 4 को 6 से गुना करेंगे 6/24 5 को 3 से गुना करेंगे 5 किया 15 650 माइनस x और 24x इधर भी x है, इसलिए पहले कोष्ठक को हल करो, मल्टीपल 15 को 0 से गुना करेंगे 0 15 को 5 से गुना करेंगे 75 / 7 15 × 96 = 97 समझा गुना है, फिर प्लस माइनस माइनस 15 को x से गुना करेंगे 15x अब 24x माइनस 15x बराबर के पहले आएगा तो प्लस 15x हो जाएगा बराबर 97/50 और 24×15 = 39x बराबर 97/50 इसीलिए x बराबर 97/50/39 कटेगा, 13 से काटेंगे 13 से 39 जबकि पूरा कटना चाहिए। कैलकुलेशन को एक बार पहले चेक कर लेते हैं कहां से मिस्टेक हुआ है, ठीक है कैलकुलेशन ये काट रहा है 13 से 97 देखो 13 × 7 = 91 6 × 97 = 13 × 5 = 65
750, 13 से इसको काटेंगे 750, इसको काटेंगे 13 या 39, ये हो गया तुमको 250, यानी x बराबर हो गया 250। इसीलिए x बराबर 250 रुपया। रुको, तो पहली घड़ी का किराए मूल्य x, तो पहली घड़ी का किराए मूल्य 250 रुपया, दूसरी घड़ी का किराए मूल्य 650 माइनस x, अतः पहली घड़ी का किराए मूल्य बराबर 250 रुपया तथा दूसरी घड़ी का किराया मूल्य कितना है, तू देखो, दूसरी घड़ी का किराया मूल्य 650 माइनस एक्स रुपया, 650 माइनस एक्स रुपया, 650, एक्स का वैल्यू 250 निकला है, 650 में से 250 घटाओगे 400 रुपया, दोनों का आंसर निकल गया। इसको उतार लो, समझ गया ना इसको? ठीक है, आंसर को चेक भी कर सकते हो।